हमारी भूमि को आपके चरणों से पवित्रता प्राप्त हुई, इसके लिए हम सभी लोग आपके हृदय से आभारी रहेंगे। मेरा नाम है वेद व्यास द्विवेदी, मैं सीयूषा यूनिवर्सिटी की सेवा करता हूँ। अभी प्रोग्राम ये है कि यहाँ पे हम आपकी जो भी जलम पत्रम पोयम जैसे भी हो सकता है वैसे आपकी सेवा करेंगे। चाय नाश्ता और हल्का फुल्का जो अच्छा लगता है वो आप लीजिए। इसके बाद हम यहाँ से यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में जाएंगे। ऑडिटोरियम में हम लोग पूज्य भाई शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और यूनिवर्सिटी क्या है इसके ऊपर एक छोटा सा हमने बहुत छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, वो हम म्यूट करके दिखाएंगे जिससे आपका डिस्टर्बेंस ना हो। और थोड़ा सा कोर्स के बारे में परिचय देना, यहाँ क्या क्या कॉलेजेस में क्या क्या कोर्स चलते हैं, क्या और प्रगतियाँ यहाँ पे होती है। जैसे सीयू शाह साहब का आशीर्वाद किस तरह से हम सभी लोगों को प्राप्त है इसके ऊपर हम 2-4 मिनट आपसे रूबरू भी होंगे। एक प्रार्थना रखा है और उसके बाद सीयू शाह यूनिवर्सिटी का एक सॉन्ग है वो गाएंगे। इसके बाद वहाँ से हम यहाँ आएंगे एक घंटे के बाद, यहाँ पे बहुत ही सुरुचि और बहुत ही स्वास्थ्यप्रद भोजन ग्रहण करेंगे और लगभग 7:30 तक ये प्रोग्राम रहेगा। तो अगर आप इस बीच में कोई कष्ट होता है तो हम क्षमा प्रार्थी एडवांस में हैं। और सीयू शाह यूनिवर्सिटी में मैं ब्रीफ कर लूँ, 430 स्टाफ है। जैसे ये कैंपस है वैसे ही 4 अलग अलग कैंपसेज हैं। बस में आने वालों ने थोड़ा उसकी एक झलक लिया होगा। हमने रिक्वेस्ट किया था हमारे कैंपस डायरेक्टर से कि आपको 2-2 मिनट में ब्रीफ करें, अगर उसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके बाद सीयू शाह यूनिवर्सिटी April 22, 2013 को हुई थी और तब से लेकर आज तक 23 कॉलेजेस सीयू शाह यूनिवर्सिटी के अंदर में अभी काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, सभी स्पॉन्सर्ड एंड रन बाई मैनेज्ड बाई वर्धमान भारती ट्रस्ट। वर्धमान भारती ट्रस्ट की स्थापना 1969 में हुई थी एंड 2013 में यूनिवर्सिटी हुई। हमारे पास 89 कोर्सेज चलते हैं और इस साल को एडमिशन्स को अगर ले लें तो लगभग हमारे पास 10,000 स्टूडेंट्स की संख्या होगी, जिसमें 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ विद्यार्थी अगर कैंपस में एंटर करता है या करती है तो वो डायरेक्ट PhD करके यहाँ से निकल सकते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज़ सुरेंद्र नगर में सीयू शाह साहब के आशीर्वाद से, वर्धमान भारती ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीज़ के जो कर्म है उनकी जो मेहनत है उसकी वजह से हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पे हर एक स्टाफ पूरी तरह से संतुष्ट है, कभी भी किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। इतनी छोटी सी जगह पे जो यूनिवर्सिटी का हमको लाभ मिला, आसपास 70 किलोमीटर के रेडियस में त्रिज्या में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। राजकोट यहाँ से 125 किलोमीटर है वहाँ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, भावनगर यहाँ से 130 किलोमीटर है वहाँ भावनगर यूनिवर्सिटी है, वल्लभ विद्यानगर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी 145 किलोमीटर है, अहमदाबाद यहाँ से 125 किलोमीटर है वहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी है, और नॉर्थ में यहाँ से कच्छ यूनिवर्सिटी है जो लगभग 200 किलोमीटर। इस पूरे रेडियस में सिर्फ सीयू शाह यूनिवर्सिटी काम करती है। यहाँ पे हर तरह का अप्रूवल, आर्किटेक्ट कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो सारे कॉलेजेस सीयू शाह यूनिवर्सिटी के अंदर में सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप सभी से अनुरोध है किसी भी प्रकार का कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का आपको अगर थोड़ा भी संदेह है तो वेद व्यास द्विवेदी आपके सामने हाजिर है। धन्यवाद। गुजराती में बोलो ना नून नी नी प्रॉब्लम है, मैंने गुजराती बोलता लिखता वाँचता बधु आवड़े छे, शब्दों पर सारी रीते सेलेक्ट करी शकूँ छूँ, सिर्फ ग्रामेटिकल पुल्लिंग स्त्रीलिंग अने नपुंसक लिंग प्रॉब्लम थी गया छे, એટલે આપ બધાને ક્ષમા પ્રાર્થના કે આપ મને મને ક્ષમા કરો। उम्र अथवा मिनिमम क्वालिफिकेशन की कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी एडमिशन ले सकता है ले सकती है। आपका एक प्रश्न है, आप पूछ रहे हैं PhD किस किस कोर्स में चलता है। PhD के लिए
स्पेशलाइजेशन होता है उसके लिए हमारे पास 87 पीएचडी गाइड्स हैं और अलग अलग कोर्स में आप पीएचडी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तो नहीं करवा सकते। उदाहरण के लिए जितने भी कोर्सेज चलते हैं सब में हमारे पास पीएचडी उपलब्ध है, नर्सिंग को छोड़कर। नर्सिंग में इसलिए क्योंकि हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट अभी नहीं है, क्योंकि नर्सिंग अभी 2 साल पहले हमने चालू किया था। और पीएचडी के लिए रूल है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। बाकी सब भाषा गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिसमें आप करना चाहें कर सकते। और जैनिज्म में हमारे पास अभी 18 विद्यार्थी हैं और वो सभी लोग बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी में मिलाकर जैनिज्म में हमारे पास 18 लोग। जैनिज्म में 2 लोगों की पीएचडी थीसिस सबमिट हो गई है और उनकी पीएचडी, आप ऐसे इनफॉर्मली में बोलता हूँ, पूरी हो गई। उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक घी वाला करके मैडम है जो मुंबई से, काफ़ी उनका प्रवचन आता रहता, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने हमारे यहाँ से पीएचडी किया। एक जगदीश त्रिवेदी है जो हास्य कलाकार हैं, वो भी उन्होंने गुजराती हमारे यहाँ से पीएचडी किया है। ऐसे कई काफ़ी सारे लोग हैं आत्मसिद्धि पे जी। घी वाला ભૂલી નહીં ગયો, મને એમ થયું કે આ ઉચિત પ્લેટફોર્મ નથી, વધારે હું બોલી છું સારું નહીં, પણ બે કર્મ યોગીઓ જેના કારણે આપ જે જગ્યા ઉપર બેઠા છો, અમે જોબ કરીએ છીએ, આખા સુરેન્દ્રનગરના લોકો રોજીરોટી કમાય છે, હોસ્ટેલો છે, રિક્ષાવાળા છે, ઘણા અહીંયા દુકાનો છે, કારણ કે એ કોર્સ ના ચાલે તો એ બધાનો બિઝનેસ અને જીવન ઠપ થઈ જાય। એ જે બે કર્મયોગીઓ છે જે 24 કલાક પર્સનલ એના કમ્ફર્ટ છે, પર્સનલ કન્વિનિયન્સ છે અને સેક્રિફાઈસ આપીને, આમ તો પરિવારમાં સેક્રિફાઈસ શબ્દ પોતે બહુ નાનું છે પણ બોલવાની મર્યાદા છે એટલે સેક્રિફાઈસ કહું છું, સેક્રિફાઈસ કરીને લોકો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સને બેસ્ટમાં બેસ્ટ આપવા માટે પ્રયત્ન કરે છે। એના માટે આપ બધાને અનુરોધ કરું છું કે કિરણભાઈ અને જીતુભાઈને ક્લેપ ક્લેપ ક્લેપ। આ 27 વર્ષથી એ લોકો નિરંતર અનવરત પ્રયત્ન કરે છે અને એ 27 વર્ષનું આ પરિણામ છે કે આજે સીયુશા યુનિવર્સિટી સુધી આપણે પહોંચી શક્યા છીએ। ઇવન ઇન મેડિકલ મેડિકલ માં એ જે લોકો એ જ રીતે બે જણા એક એક જગ્યાએ બેઠા
very good evening, one and all. Srimati Meera Mehta, Rohit Bhai Shah, Faculty Chief, Yusha University, Pooja Bhai Shri, Dr. J.G. Sanghvi, Shri Kiran Bhai Mehta, Ramesh Bhai Vora, અને મુંબઈથી પધારેલ માનવતા મહેમાનો, હું ડૉક્ટર આર એન જોશી, ડીન ઓફ ફેકલ્ટી ઓફ આર્ટ્સ એન્ડ હ્યુમેનિટીઝ ઓફ સિયુશા યુનિવર્સિટી. આપ સર્વેનું સિયુશા યુનિવર્સિટી સ્પોન્સર્ડ બાય વર્ધમાન ભારતી ટ્રસ્ટ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સવારથી આપણે સૌ જુદા જુદા કાર્યક્રમોમાં વ્યસ્ત છીએ, તેમ છતાં પણ સિયુશા સાહેબના શોની જન્મજયંતિની આપણે જ્યારે ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આપ સર્વે માનવતા મહેમાનો અમારી સિયુશા યુનિવર્સિટીમાં આપ આવ્યા છો એ બદલ અમે અત્યંત હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ અને આપ સર્વને આવકારતા અત્યંત આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ. 22 એપ્રિલ 2013, 13 મે 2018, 5 વર્ષ અને 20 દિવસની આ યુનિવર્સિટીમાં કહીએ તો ખૂબ જ ટૂંકા સમયગાળામાં આ યુનિવર્સિટી પ્રગતિના સોપાનો સર કરી રહી છે. આજે આવતીકાલે શ્રી શિવશા સાહેબનો જન્મદિવસ છે અને આજે જ્યારે પૂર્વ સંધ્યાએ આપણે સૌ એકત્રિત થયા છીએ ત્યારે ચોક્કસ એમનો દિવ્ય આત્મા આપ સર્વને અને આપણને સૌને આજે ઉજવણી કરી રહ્યા છે ત્યારે એ પુણ્ય આત્મા પ્રકાશપુંજ બનીને ચોક્કસ આપણને નિહાળતો રહેતો હશે અને આપણા ઉપર હજી ને હજી આવા ને આવા આશીર્વાદ વરસાવતો રહેશે એવી અભિલાષા સાથે આપણે આજે આ જે ગેધરિંગ કર્યું છે એમાં એ સહભાગી બનીએ અને આપણે એ દિવ્ય આત્માને સાચા અર્થમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ. કાર્યક્રમની શરૂઆત આપણે પ્રાર્થનાથી કરતા હોઈએ છીએ. હું વત્સલ માંડલિયા બીએ સેમેસ્ટર 2 ના સ્ટુડન્ટ્સને વિનંતી કરીશ કે તે આગળ આવીને પ્રાર્થના રજૂ કરશે. Thank you.
सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है, जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है, छल कपट लोभ के सारे संसार से, छल कपट लोभ के सारे संताप से, बस उसी की शरण में तेरी मूर्ति है, ओ तेरी याद ना उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो about our beloved Vice Chancellor, sir. You are the B.Tech, M.Tech and Ph.D. in Electronics and Communication Engineering, and also recently you have achieved post-doctorate from South America University.
You have authored 13 international books and filed 8 invention patents and 133 research publications. And under your esteemed guidance, 8 students have been awarded PhD degree. And initially, you have been a scientist in ISRO Ahmedabad. We are enough fortunate and lucky to have Dr. Vidya in the Premier Research Fund to address you on this occasion. पवित्रता की प्रतिमूर्ति ज्ञान की देवी कला की प्रतिमूर्ति प्रतिरूप आदरणीय श्रीमती मिनलबेन जिन्होंने पीयूषा यूनिवर्सिटी को पीयूषा यूनिवर्सिटी नहीं अपने घर से भी बड़ा समझा, ऐसे मातृतुल्य मिनलबेन को पीयूषा यूनिवर्सिटी वर्धमान भारती ट्रस्ट ट्रस्टियों सभी स्टाफ मेंबर्स प्यून से प्रोफेसर से प्रिंसिपल से प्रेसिडेंट तक सभी की ओर से सादर प्रणाम और उनके साथ उपस्थित तत्वज्ञान आत्मिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान परमेश्वर तक की प्राप्ति का मार्ग बताने वाले रास्ते ही नहीं मंजिल को प्राप्त करने वाले को मंजिल को प्राप्त ऐसे महानतम व्यक्तित्व जो भाई श्री जी हैं जिन्हें गुरुत्व की प्रतिमा उपलब्ध है ऐसे गुरु जी को हम सभी ओर से लोगों की ओर से साष्टांग एवं आपका मुख्य स्वागत हम करते हैं। हम धन्य भाग्य हैं कि आपके चरण कमल पिछले 5 सालों में दूसरी बार हमें दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। आप यहाँ पे पधारे इसके लिए हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसकी ऊंचाई कितनी है वो हमें भी पता नहीं चल रही है। आप आए इसके लिए हम लोग कृतज्ञ हैं धन्यभागी हैं। यहाँ मुंबई और दुबई तथा अन्य कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री से आए हुए जितने भी महानुभाव हैं सद्ज्ञानी लोग हैं स्कॉलरली लोग हैं मैच्योर लोग हैं जो सभी लोग अपने अपने फील्ड में हर एक प्रकार की ऊंचाइयों को प्राप्त किए हुए हैं आप सभी लोगों का पीयूषा यूनिवर्सिटी ट्रस्टीज और ट्रस्ट तथा स्टाफ मेंबर्स की ओर से पुनः पुनः स्वागत धन्यवाद। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं 2-3 मिनट में मैं एक बार पुनः शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी दूंगा, इसके बाद 1-2 और बातें हम करेंगे और उसके बाद आज का प्रोग्राम हम चालू करेंगे। पीयूषा यूनिवर्सिटी की स्थापना 22 अप्रैल 2013 को हुई थी। स्थापना के पहले हमारे पास 8 कॉलेजेस थे, वर्धमान भारती ट्रस्ट की स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं जो पूरे सुरेंद्रनगर और सुरेंद्रनगर जिला में सभी 5-6 तालुका में फैली हुई हैं। अपने पास बहुत सारे विद्यार्थी जो केजी में एंटर करते हैं वो पीएचडी करके यहाँ से निकलते हैं। सबसे कम फीस का डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात लेती है फी रेगुलेटरी कमेटी के माध्यम से। एडमिशन भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ओर से होता है। कुछ ही ऐसे कोर्स हैं जिनके एडमिशन हम पीयूषा यूनिवर्सिटी की ओर से करते हैं। सारे एडमिशन मेरिट बेसिस पे होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से होते हैं। अपने पास जितनी भी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं उससे भरसक कोशिश ये की जाती है कि बच्चों को कम से कम पैसे खर्च करके माता पिता को कम से कम पैसे खर्च करके बच्चों को अध्ययन कराने की सारी सुविधाएं दी जाएं, हर तरह की शिक्षा प्रदान की जाए, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो चाहे वो नैतिक शिक्षा हो चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो व्यावसायिक शिक्षा ही क्यों ना हो। इस साल पीयूषा साहब की 100वीं जन्म जयंती वर्ष की जो हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसके उपलक्ष्य में ट्रस्ट ने स्पेशली श्रीमती मिनलबेन ने एवं जीतू भाई किरण भाई तथा अन्य ट्रस्टीगण ने मिल करके यह निर्णय लिया कि इस साल पीयूषा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली किसी भी विद्यार्थिनी कोई भी विद्यार्थिनी अगर यहाँ एडमिशन लेती है किसी भी कोर्स में लेती है अथवा कोई विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो उसको एक बहुत ही जबरदस्त फीस में स्कॉलरशिप दिया जाए और वो स्कॉलरशिप की योजना का नाम है श्री पीयूषा स्कॉलरशिप योजना 2018-19। उसके अंतर्गत अगर कोई बीटेक में एडमिशन लेती है विद्यार्थिनी तो उसको कोर्स के दरमियान 4 साल में
लगभग 1,00,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप देने का प्रोविजन है। इसी तरह से अगर कोई फार्मेसी में एडमिशन लेता है या किसी भी अन्य कोर्स में एडमिशन लेता है, तो यह एक नवीन बात थी जो आपसे मुझे शेयर करनी थी। सीयूषा यूनिवर्सिटी 4 कैंपस में फैली हुई है, ये एक मेन कैंपस है। कोई भी कोर्स अपने यहाँ ऐसा नहीं चलता है जो गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या गवर्नमेंट की अथॉरिटी या यूजीसी या कोई भी काउंसिल के माध्यम से अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज नहीं हो। सीयूषा यूनिवर्सिटी को ऑफ कैंपस या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स चलाने की अनुमति नहीं है, इसलिए सीयूषा यूनिवर्सिटी का कोई भी कैंपस, कोई भी कोर्स कहीं भी सुरेंद्रनगर के बाहर नहीं चलता है। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं वो सभी वर्धमान भारती ट्रस्ट के गाइडलाइन में, उनके मार्गदर्शन में ही चलते हैं। यहाँ पे अपने पास 89 कोर्सेज हैं, 47 डिपार्टमेंट्स हैं, 4 कैंपस है, 430 लोगों का स्टाफ है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग से लेकर और PhD तक इस बार अपने यहाँ है। इस बार हम लोगों ने प्लान किया है कि पोस्ट डॉक्टोरेट हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पोस्ट डॉक्टोरेट के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो अभी हम फुलफिल नहीं कर सके। अगले साल से लगभग हम पोस्ट डॉक्टोरेट चालू करेंगे। पोस्ट डॉक्टोरेट का अर्थ है जिन लोगों ने जिस भी फील्ड में डॉक्टोरेट कर दिया है, PhD कर लिया है, उसके बाद का अध्ययन, वो हम अगले साल से प्लान आउट कर चुके हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, आपको मैं आज चूंकि महादिवस है, माँ इस पृथ्वी पे एक शब्द है ओम, अ उ और म, अ का अर्थ है माँ, यू का अर्थ है माँ और म का अर्थ है माँ। इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी आवाज नहीं है, कोई भी आवाज का अर्थ नॉइज नहीं, आवाज का अर्थ है वॉइस। वॉइस का अर्थ ऐसा नहीं है कि हमने ताली बजाया तो भी आवाज आती है, लेकिन टकराने से आती है। एक ऐसी आवाज है जो टकराने से नहीं आती है, और सिर्फ उच्चारण है माँ, उसमें कोई भी टकराव नहीं है। पिता बोलने से एक बार जरूर टकराव होती है, वहां पे एक बार टक्कर होता ही है किसी न किसी का। माँ बोलने से किसी भी अंग का, किसी भी प्रकार के अवयव का कभी भी टक्कर नहीं होता। आज माँ दिवस है, इसलिए मैंने श्रीमती पूज्या मिनलबेन से ये परमिशन लिया। अगर आप कहें तो मेरी एक रचना जो माँ पे है, जो नारी शक्ति पे है, आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, 2.5 मिनट का है। टॉपिक है नारी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु। नारी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, विश्व का नहीं, विश्व बहुत छोटी घटना है। ब्रह्मांड रियल सेंस में पूरा शरीर है, इसलिए पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है तो कौन, नारी। कभी भूल कर भी ना कीजिए किसी भी नारी का अपमान। ये क्यों लिखा, आजकल रेप के ये सब केसेस जितने ज्यादा चल रहे थे, मन बहुत अंदर से उद्विग्न हो गया था, बहुत खिन्न हो गया था मन में, हुआ कुछ कुछ समाज के लिए कहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन, हम करेंगे तो 4 लोग देख करके भी करेंगे कि यार सर कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। इसलिए कभी भूल कर भी ना कीजिए किसी भी नारी का अपमान। नारी शुभ जीवन दायिनी है, नारी है अति उत्तम वरदान। पवित्र पूज्य माँ देती जन्म, पवित्र पूज्य माँ देती जन्म, वह पत्नी धर्म पूर्ण प्रेम लगन। मनुष्य को जीवन भर दे छाया, मनुष्य को जीवन भर दे छाया, सब नारी बन वृक्ष समान। नारी भारत वर्ष व विश्व की, नारी भारत वर्ष व विश्व की, रखे गर्व भरी अलग पहचान। कैसी पहचान, गर्व भरी पहचान। क्षमता रखती है वापस लाने की, एक हिंदू माइथोलॉजी में कहानी आती है, क्षमता रखती है वापस लाने की, ना यमराज से भी पति के प्राण। एक कहावत आती, कहानी है, यमराज किसी के पति का प्राण हरण कर ले जाते हैं, और वो पत्नी के अंदर इतनी शक्ति है, अंदर की शक्ति, बार बार मैं अंदर की शक्ति कह रहा हूं, इतनी शक्ति है, क्षमता रखती है वापस लाने की, यमराज से भी पति के प्राण।
हर पुरुष के पुरुषत्व की भी भगवान शंकर अधूरा है जब तक पार्वती नहीं है। हर पुरुष के पुरुषत्व की भी नारी ही करे पोषण प्रतिक्षण, बलिदान की आदर्श प्रतिमूर्ति है और करुणा में भी प्रभु के समान। करुणा दया नहीं, दया बहुत छोटा शब्द है, बहुत बहुत छोटा। किसी भीख मांगने वाले को मैंने देखा मुझे दया आती, करुणा नहीं। इसीलिए भगवान के लिए महावीर स्वामी के लिए करुणामयी शब्द का इस्तेमाल, उनका एक नाम है करुणामयी, दयामयी नहीं। करुणा में भी है प्रभु के समान। एक मास की हो, आज के परिवेश में एक मास की हो या 100 साल की, बांटती रहती है समर्पित ज्ञान, किंतु क्या है पाती बदले में केवल तिरस्कृत आन व बान। ये सामान्य समाज की मैं बात कर रहा हूं। 1 साल की हो या 100 साल की, समर्पित ज्ञान सब कुछ देती है, लेकिन क्या प्राप्त करती है बदले में, तिरस्कृत आन व बान। नारी है अति कोमल हृदय, वह होती है निर्मल फूल समान, लेकिन वक्त पड़े तो करती फिक्र नहीं, चाहे पकड़ना हो बरछी तीर कमान। लक्ष्मी बाई, इन्हें न माने दुर्बल अबला जान, ये है दुर्गा काली दैव समान। युगो युगो से व्यवस्था है पुरुष प्रधान इस पृथ्वी पे, जब से मनुष्य समाज आया है, मनुष्य नाम का प्राणी इस धरती पे आया है, तब से आज तक चाहे वो वेस्टर्न हो या ईस्टर्न, हमारे कुछ मनीषी और महापुरुष अगर इस पृथ्वी पे नहीं आए होते पूर्व भारत में या पूर्व में, तो शायद समय और परिस्थिति कुछ अलग होती। क्यों? क्योंकि युगो युगो से है व्यवस्था पुरुष प्रधान, जो रोके नारी का उत्थान। अतः वेदव्यास कहे सरस्वती लक्ष्मी शक्ति का गुणगान, क्योंकि हर कण कण में है नारी का खूब खूब सम्मान। थैंक यू। नारी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है मेरी दृष्टि में, मेरी अर्थात मेरा जितना भी संस्कार संस्कृति ज्ञान है उसकी दृष्टि में। 2-2.5 मिनट और। मौन का महत्व, कुछ दिनों पहले एक बहुत ही बड़े मनीषी इस सुरेंद्रनगर जिला में यहाँ पे पधारे थे, 4 महीना यहाँ पे वो रहे, उनके साथ हमारे कुछ वार्तालाप हुए, कुछ ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। मैंने सोचा उनसे जो मैंने सीखा या जो समझा वो आपसे मैं शेयर करूं। विश्वेश मुनि जी महाराज थे, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही मेहनती, बहुत ही अंदर से तपस्वी। Happy Mother's Day to all of you. અને મધર્સ ડે છે તો મને પણ એક ગુજરાતી કવિતા યાદ આવી ગઈ છે, માત્ર 20 સેકન્ડમાં રજૂ કરી દઉં. આંસુના તોરણ જો ફરફરે આંખે તો માનજો કે માં યાદ આવી છે. આંસુના તોરણ જો ફરફરે આંખે તો માનજો કે માં યાદ આવી છે. દળદળતા આંસુ રેલાઈ ગાલે તો માનજો કે માં યાદ આવી છે. ફરફડતા નિસાસા સંભળાઈ કાને તો માનજો કે માં યાદ આવી છે. ફરફડતા નિસાસા સંભળાઈ કાને તો માનજો કે માં યાદ આવી છે. ઓચિંતી મુસ્કાન દેખાય તો માનજો માં મળી છે. ચહેકી ઉઠે ગીત કંઠે, ચહેકી ઉઠે ગીત કંઠે તો માનજો માં મળી છે. ઉલ્લાસ છલકે આંખે તો માનજો માં મળી છે. ઉર્મિની પાયલ જો બાજે તો માનજો માં મળી છે. અને મહેકે આનંદ જો શ્વાસે શ્વાસે તો માનજો માં મળી છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. આદરણીય ગુરુવર્ય શ્રી પૂજ્ય ભાઈ શ્રી ને હું વિનંતી કરીશ કે આપણને સૌને આશીર્વચન પાઠ. પૂજ્ય ભાઈ શ્રી સવાલથી સાથે સમજ્યા.
અને એક સરખા સતત આપણા પ્રોગ્રામ માની રહ્યા છે. તો અત્યારમાં આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ અને એમાં વર્તમાન ભારતીના પ્રેસિડેન્ટ અત્યારના ઉપસ્થિત નથી, પણ રશિદભાઈ મણિયા, પછી જીતુભાઈ, મિનળબેન, કિરણભાઈ બેન વ્યાસજી, બસ ડૉક્ટર કે ડૉક્ટર હોવા છતાં પણ મા માટે આટલું સુંદર બોલે એટલે અલગ અલગ કેટલી બધી શક્તિઓ છે એનો આપણને ખ્યાલ આવે. આમ ત્રણ જણનો વિષય હતો મા અને એનો બે જણ સાથે મોં, પણ મારો વિષય કદાચ જુદો થશે. આમ આજે જે સવારનું ફંક્શન હતું એની અંદર મારી જે સ્પીચ હતી એટલે કે આ આશીર્વચનની વાત કરવાની હતી, એ વખતે ચીફ મિનિસ્ટરને આવવા અને એ સમય ટૂંકો હોવાથી મને કહેવામાં આવ્યું કે તમે 5 મિનિટ બોલજો. ઓરિજિનલ જે મને ટાઈમ આપેલો હતો અને એને ઘણો બધો ઘટાડી દીધો, તો મારે જે વાત રજૂ કરવાની હતી એ યથા યોગ્ય રીતે રજૂ પણ કરી શકો, કેમ કે મારે જે મુદ્દા જણાવવાના હતા એ મુદ્દા જેને કેમ કે વ્યવસ્થિત મૂકવા જોઈએ એ રીતે તમારી સામે મૂકવાના હતા. તો અત્યારના આપણે એ જ વાત સવારમાં જે થોડી ઘણી કરી એ ડિટેલમાં આપણે એ જ વાત કરીશું. આમ આપણે બધા અહીંયા અત્યારના જે પણ 300 જણા હોઈએ અને બધાને પોતાને આંતરિક રીતે તો વિકાસ કરવાની ભાવના હોય ને આપણને, કે કોઈને કોઈ એક ક્ષેત્રમાં વિકાસ કરવો હોય, કોઈને બીજા ક્ષેત્રમાં, કોઈને ત્રીજા ક્ષેત્રમાં, એમ દરેકે દરેક જીવના અંતકરણની અંદર એક વિકાસની ભાવના તો હોય છે. અને ઘણા જેને કહીએ કે સક્સેસફુલ લોકો કે જે વિકાસ કરતા હોય એ એક જ બાજુથી નહીં પણ અનેક બાજુથી એ વિકાસ કરી રહ્યો હોય. તો શિવ શાહને આપણે સેન્ટરમાં રાખી અને આપણા બધા પછી ભલે ગમે તેવું હોય છે, બાળ અવસ્થા છે, યુવા અવસ્થા છે, વૃદ્ધ અવસ્થા છે, પણ જે વિકાસ કરવાનો છે એ વિકાસ કે જેમાં થોડીક સમજણ આવે પછીથી એ આ વાતને સમજી અને પોતાનો વિકાસ કરવો હોય તો ખૂબ સારી રીતે કરી શકે. એટલે વાત કરી ને કે દરેકે દરેક જણની અંદર એમ્બિશન હોય કે મારે આ વાતમાં વિકાસ કરવો છે, તો ભવિષ્યના સપના સાથે વર્તમાન કેરી ઉપર મક્કમ ડગે ચાલવા માંડવું એનું નામ ભવ્ય અને ક્રિયાશીલ નિર્ણય. અને જો આવી રીતે જીવ ખરેખર એક સ્વપ્નનું અને પછી સ્વપ્ન પ્રમાણે કાર્યની શરૂઆત કરી દે તો એને એના બદલામાં શું મળે? સવાલ. કેમ કે પોતાને કયા ક્ષેત્રે વિકાસ કરવો છે એનું એક સ્વપ્ન છે અને એ સ્વપ્નની સાથે એક કાર્યની અંદર લાગી ગયો, ક્રિયાશીલ બની ગયો, તો એને શું મળે? તો હકીકતની અંદર શિવ શાહે શું પ્રાપ્ત કર્યું? કેમ કે એને કેવા કેવા સ્વપ્ન જોયેલા હશે. મારે શિક્ષણના ક્ષેત્રે આટલી આટલી વસ્તુ કરવી છે, મેડિકલ ક્ષેત્રે મારે આટલી આટલી વસ્તુ કરવી છે, એમ કરતા 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 એના અંતકરણની અંદર જે સ્વપ્ન છે એ એક પછી એક સાધ્ય કરતા ગયા, કેમ કે એ પૂરેપૂરા ક્રિયાશીલ બનેલા. તો સ્વપ્ન જોવા અને જોઈને એમને મને પેટા રહેવું, કઈ કરવું નહીં, તો આપણે સ્વપ્નની વાતને સાધ્ય કરી શકીએ. જે હું અત્યારની વાત કરું છું
એ પ્રેક્ટિકલ જીવનને પણ લાગે અને જેને આધ્યાત્મિક રીતે વિકાસ કરવો છે, આંતરિક રીતે વિકાસ કરવો છે, એને પણ એ વાત બરાબર લાગે. એટલે બંને રીતે એ વાત લાગે. તો હવે એક કાપલો છે એડિસનનો છે કે સફળતાના એક પછી એક શિખર સર કરતા એડિસનને પત્રકારોએ એકવાર પૂછ્યું કે આ આટલા બધા સંશોધનો એક સાથે કરી રહ્યા છો ત્યારે કોઈ કામ ભૂલી જતા નથી, એનું રહસ્ય શું? એડિસને ઉત્તર આપ્યો કે જુઓ, રાત્રે સૂતા પહેલા હું આજના અધૂરા કામનો વિચાર કરી અને આવતીકાલે કરવાના કામની યાદી તૈયાર કરું છું. એ યાદી પ્રમાણે કામ પૂરા કરવાના પ્રયાસ કરું છું. બસ આજ એનું રહસ્ય. સાવ સિમ્પલ લાગે એ વાત છે ને, પણ પ્રેક્ટિકલ જીવનમાં ઉતારવી હોય તો કેટલી બધી કઠિન થાય. બીજો સવાલ કે તમે આટલા બધા સંશોધન કર્યા એનું રહસ્ય શું છે? એડિસને જવાબ આપ્યો કે મારા મનમાં સતત તીવ્ર જિજ્ઞાસા પ્રવર્તે છે. આ મોટી ઉંમરે આટલી શોધ કર્યા પછી અત્યારે ઘાસમાંથી લેટેક્સ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. જે શોધ કરવાનું નક્કી કર્યું હોય એને વળગી રહેવું, એ જ મારી શોધો અને સફળતાનો રહસ્ય છે. બીજા શબ્દોમાં આપણે કહીએ તો રોજ રોજ શું કરવાનું છે એનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ અને એના માટે આદુ ખાય અને મચી પડવું, એ સફળતા માટેનો ઓપન સિક્રેટ છે. આ એક વાત થઈ. હવે બીજી અપેક્ષા આપણે વિચારણા કરીએ કે અંગ્રેજીમાં વપરાતા ટેલેન્ટ શબ્દનો એક અર્થ થાય છે પ્રકૃતિગત સુઝ. ફરી લઉં છું કે અંગ્રેજીમાં વપરાતા ટેલેન્ટ શબ્દનો એક અર્થ થાય છે પ્રકૃતિગત સુઝ અને બીજો અર્થ છે પ્રતિભા. આપણામાં રહેલી પ્રતિભા કઈ રીતે ખીલે? તો આપણે પ્રતિભા તો ખીલો બી છે ને, તો કે છે કઈ રીતે ખીલે આ સંબંધી એક સરસ વાર્તા છે. એક માણસ પાસે એક, બીજા પાસે બે અને ત્રીજા પાસે પાંચ પ્રતિભાઓ હતી. એ માણસો ઈશ્વરના સાનિધ્યમાં રહેતા હતા. એક વાર ઈશ્વરને ઘણા લાંબા સમય માટે બહાર જવાનું થયું. જ્યારે પાછા ફર્યા ત્યારે એમણે પાંચ પ્રતિભાવાળા માણસને તેમની ગેરહાજરીમાં શું કર્યું એવો સવાલ પૂછ્યો. ભગવાન
વિચાર અને એ તો પોતાની જાતને પોતે ધ્યાન ઊભો છે ત્યાં પક્ષ સ્થિર રાખી શકો છો એના કરતા ઉપર ને ઉપર ઉપર ને ઉપર પોતાના વિચારની અંદર ધ્યાન કરતો હોય છે અને એને ઉપર ને ઉપર જવું છે પણ ખાલી વિચાર કરી કામ નથી કરવું એટલે વિશ્વાસ નથી કરવો ઉપર જવા માટે તો એ પ્રગતિ કરી શકે પછી જેના જે બાબતમાં સ્વપ્ન જોયા એને અનુરૂપ કાર્ય તો કરવું જોઈએ પુરુષાર્થ તો કરવું જોઈએ તો પ્રેક્ટિકલ જીવનની અંદર જે આ વાત સ્પષ્ટ લાગે છે આગળ વધવાનું છે કેમ કે આમ આમ જો જોઈએ તો દરેક પાસે